जी रात एक लड़का मेरे घर में घुस गया और आके कब उसने मेरा मुंह दबा दिया, मेरे साथ उसने जबरदस्ती की और मेरा बलात्कार कर दिया। एकदम मैं चिल्लाई तो मेरी बहन आई बाहर से, उसने आके किवाड़ लगा दी, उसने 16 नंबर पर फ़ोन किया, फिर वहाँ पर पुलिस पहुँची, हमने पुलिस को सौंप दिया वो। फिर पीछे पीछे हम भी गए थे, 3 बजे थे, पर अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं करी उन्होंने। और मैडम ने हमको धमकी दी, कहता तेरा ही काम है, कहता तेने ही बुलाया है वो, और कहता अब्बा के साथ भाग जा, कहनी राजीनामा कर ले। तो मैडम हमसे बदतमीजी से पेश आई है, ये बोली कि आप अपनी मर्जी से करवा रहे हैं काम है। इसका इसमें कोई दोष नहीं लड़के का। तो हमने कही नहीं मैडम इसमें इसका ही कसूर है, फिर भी नहीं मानी। जब कह रही है नहीं मानी के करके, हमने उनसे कही कि हम केस बढ़ाना चाहते हैं आगे के, हमारी कानून कार्रवाई करी जाए। जब आगे कही है, जब उनने कही चलो हम आपका केस फाइल करते हैं, फिर अंदर ले गए हमको, तो वहाँ जाके तरह तरह की बात बना रहे हैं। नो कह रहे हैं अभी समझ जाओ, राजीनामा कर लो कुछ ना इस चीज़ में, ये आपके ही कहने से हो रहा है। अब हम SP साहब के घर पे जाके धरना देंगे, वहाँ पे उनसे कहेंगे हमारे आगे की सुनवाई की जाए, वो तो हमें छोड़ के भाग गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है उनसे। तस्वीरें पलवल हसनपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां एक विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित परिवार दुष्कर्म की शिकायत को लेकर महिला पुलिस थाना पहुंचा। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके ही गांव के रहने वाले एक युवक ने महिला को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत लेकर वो महिला थाने पहुंचे। लेकिन पुलिस थाने में पीड़ित परिवार की न सुनकर पुलिस ने उस पर ही समझौता करने का दबाव बनाया। पीड़ित महिला और उसके परिजनों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, वो भी आप सुनिए। जी रात एक लड़का मेरे घर में घुस गया और आके कब उसने मेरा मुंह दबा दिया, मेरे साथ उसने जबरदस्ती की और मेरा बलात्कार कर दिया। एकदम मैं चिल्लाई तो मेरी बहन आई बाहर से, उसने आके किवाड़ लगा दी, उसने 16 नंबर पर फ़ोन किया, फिर वहाँ पर पुलिस पहुँची, हमने पुलिस को सौंप दिया वो। फिर पीछे पीछे हम भी गए थे, 3 बजे थे, पर अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं करी उन्होंने। और मैडम ने हमको धमकी दी, कहता तेरा ही काम है, कहता तेने ही बुलाया है वो, और कहता अब्बा के साथ भाग जा, कहनी राजीनामा कर ले। और उसको खाना खिला रहे हैं बैठा रखे, कहता मुजरिम को बढ़िया तरह से, और हमारे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं ऐसे हम मुजरिम हों, और हम पर कुर्सी पे बैठा रहा कर, और हमें हम पे छोड़ गई मैडम और चली गई। हम जो करें कि हमने इतका मेडिकल करवाना हो हम पे, और जब भी छोड़ के चले गई, तुम्हें कुछ भी नहीं करवाना। कौन लेके आया? बहन भी लेके आई। और अब कहाँ है वो? अब वो चली गई छोड़कर, कह रही है इसका तुम्हें कुछ नहीं कराना। और भी कुछ प्रतिक्रिया हुई है पुलिस स्टेशन में? और हमारा फोन छीन लिया, हमारे लोगों से धमकी दी है इसका, तेरा रेपटा मार दूंगी इसका, पूरी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं हमारे साथ वो। कोई राजीनामा का दबाव दे रहे हैं, कह रहे हैं राजीनामा कर लो, और कह रही उसके साथ भाग जा। जय रेणु मैडम ने कही मुझसे आपके साथ रेप हुआ था, उसके झगड़े में आए थे यहाँ पे हम। मैं किसी शादी में गया हुआ था, इन्हें मेरे पास फ़ोन करा रात के 3 बजे। मैं सुबह आया तो मैंने थाने में जाकर देखा तो वहाँ पे जितने मेरे परिवार वाले गए सब न्यू ही परे थे वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं थी वहाँ पे। जाके हमने बात करी न कैसे सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने कही ना मैडम आएगी 10 बजे जब कोई सुनवाई होगी। हमने कही चलो देखेंगे 10 बजे भी, मैडम नहीं आई। फिर हम वहाँ से चले गए घर के, फिर वापस हमारे लिए फोन किया तो मैडम आ गई है आप आ जाओ। हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो मैडम हमसे बदतमीजी से पेश आई है, ये बोली कि आप अपनी मर्जी से करवा रहे हैं काम है, इसका इसमें कोई दोष नहीं लड़के का। फिर हमने कही नहीं मैडम इसमें इसका ही कसूर है, फिर भी नहीं मानी। जब कह रही है नहीं मानी के करके, हमने उनसे कही कि हम केस बढ़ाना चाहते हैं आगे के, हमारी कानून कार्रवाई करी जाए। जब आगे कही है, जब उन्होंने कही चलो हम आपका केस फाइल करते हैं, फिर अंदर ले गए हमको, तो वहाँ जाके तरह तरह की बात बना रहे हैं। नो कह रहे हैं अभी समझ जाओ, राजीनामा कर लो कुछ ना इस चीज़ में, ये आपके ही कहने से हो रहा है। हमने जब भी कही मैडम नहीं हमारे कहने से नहीं हो रहा, ये लड़के की मर्जी है, आप ही गुस्सा था, फिर भी नहीं मान रहे। हमने वहाँ जोर जबरदस्ती करके समझा दिए, फिर भी नहीं माने हमारी बात। वहाँ से फिर हमें मेडिकल के लिए लेके आए हैं, तो गाड़ी में नो कहते आए हैं फिर भी नो कि तुम्हारी ही मर्जी से हो रहा है, झूठा केस है, उस लड़के फंसाना चाहते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ छोड़ के हमारा मोबाइल छीन लिया, यहाँ पे हॉस्पिटल हमको छोड़ के भाग गए, गाड़ी में मोबाइल मेरा भी रख लिया उनने,
और एक बाइक रोक ली थी हमारी, उसके उन्हें कह रहे हैं 112 नंबर की गाड़ी आएगी, उसको उठा के ले जाएगी बाइक को, और उस लड़का काम कानून कार्रवाई करी जाएगी। हमने फिर हॉस्पिटल में आके इन्हें कही मैडम हमारी कुछ सुनवाई करी जाए, हाँ जी के मेडिकल करवाओ। जब नो कह रहे थे ना हम कोई मेडिकल नहीं करवा रहे, तुम नहीं करवा रहे तो वहाँ कोई केस नहीं, यहाँ पे छोड़ के चले गए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? अब हम एसपी साहब के घर पे जाके धरना देंगे, वहाँ पे उनसे कहेंगे हमारे आगे की सुनवाई की जाए, वो तो हमें छोड़ के भाग गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पर। सर ऐसे आना हुआ कि मेरी बहन अकेली कमरे में सो रही थी, मेरे देवर भी नहीं थे और मेरे पति भी नहीं थे घर में, मैं दूसरे कमरे में सो रही थी, उसके कमरे में कुंदी नहीं है, एक पड़ोस का लड़का आकर लोकेश नाम का उसके घर में घुस गया, उसके मुँह पर लत्ता वत्ता बांध के ज़बरदस्ती करके उसका रेप किया, और फिर मुझे ये चिल्लाई मुझे पता लगा तो मैं भागी वहाँ से, और मैंने कुंदी लगा के वो बंद रखा घर में, और मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया, फिर पुलिस आई, पुलिस को मैंने वो सौंप दिया और पुलिस उसको पकड़ के ले गई। बाद में हम पीछे पीछे उनके गए तो हमने कि हमारी कोई सुनवाई करो, कोई भी सुनवाई नहीं करी कि मैडम करेगी इस काम को, SHO करेगा, SP करेगा, उनने 17 बात बनाई पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करी। और जो लड़का है वो मुजरिम, उसे तो बैठार के खाना खिला रहे हैं कुर्सी पर, और हमें ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम मुजरिम हैं, फ़ोन वोन छीन लिए, ना हमें कुछ बात बता रहे ना करन दे रहे, मतलब ऐसे ही पड़े रहे भूखे प्यासे हम। और अब जाके मेडिकल की गई है तो वो हम पे लेकर आई हैं, लेके अब छोड़ तो गई हैं पर मेडिकल नहीं कराया, हमने कही है कि मेडिकल कराओ, हमें कराना है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं कराना, अब वो छोड़ के हमें चली गई। जिस तरह से पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं, ये गंभीर चिंतन करने वाली बात है। मामले की सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन पुलिस महिला थाना अधिकारियों के द्वारा आरोपी के खिलाफ शिकायत मिलने पर भी मामला दर्ज न करना कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाता है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर वो उनकी शिकायत पर अमल नहीं करेंगे तो वो SP कार्यालय का घेराव करेंगे, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो वही मामले में पुलिस प्रशासन से जब इस बारे में पूछा गया तो मीडिया से भागते हुए नजर आए और कहा कि मामले में जांच चल रही है और पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।